सो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है एलगाटो वर्सेस 300 रुपए का जो जुगाड़ हम यूज करते हैं स्ट्रीमिंग के लिए। सो आज हम बात करने वाले हैं एलगाटो और ये रहा हमारा हाथ में 300 रुपए का जुगाड़। अभी इसको देखने में आपको अजीब सा लग रहा होगा गाइज, यही है वो 300 रुपए का जुगाड़ जो आप लोग देखते हो वीडियोस यूट्यूब में कि 300 रुपए के जुगाड़ से आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। और ये है मेरे हाथ में एलगाटो जो आप लोग को प्रीफर करते हैं कि प्रोफेशनल स्ट्रीमिंग के लिए। सो गाइज अब स्टार्ट करते हैं हम 300 रुपए के जुगाड़ से जो कि हमको मार्केट में अवेलेबल होता है और हम इजीली परचेज करते हैं उसको और हम सोचते हैं कि ये 300 रुपए जुगाड़ से हमारी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस चलो अब स्टार्ट करते हैं ये 300 रुपए का जुगाड़ का। सो मैं अपने ऊपर लेकर आता हूँ ये बात को कि 300 रुपए का जुगाड़ मैंने क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि आप लोग देखते होंगे मैं स्ट्रीमिंग एलगाटो से करता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बता दूँ यार, देखो मैं भी मिडिल फैमिली का हूँ एंड मैंने भी ये सोचा कि 300 रुपए का जुगाड़ यूज़ करता हूँ। मैंने भी फिर यूट्यूब में सर्च किया कि यार 300 रुपए का जो जुगाड़ है उसको अप्लाई करता हूँ, क्योंकि यार एलगाटो आपको पता है एलगाटो की कीमत 15 से 16 हज़ार रुपये होती है मार्केट में। आप लोगों को पता है कि हर कोई बंदा इसको परचेज नहीं कर पाता है। सो गाइस आप लोगों को मैं यही बोलूंगा कि जो 300 रुपए का जुगाड़ है ये अपनी लाइफ में हर स्ट्रीमर जो होता है छोटे मोटे स्ट्रीमर ये यूज़ करते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि ये आपको इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अपनी स्ट्रीमिंग में। तो यार देखो इसकी कॉस्ट अराउंड 400-500 रुपए पड़ती है। देखो जब मैं अपने ऊपर लेकर आता हूँ इस बात को तो यार मेरे को जो इसकी कॉस्ट पड़ती है मैंने 500-600 रुपए खर्च कर दिए थे इसके ऊपर। इनफैक्ट 500-600 से ऊपर खर्च कर दिया था मैंने इसके ऊपर। सो गाइस जब मैंने यूट्यूब पर सर्च किया कि 300 रुपए में स्ट्रीमिंग वो भी प्रोफेशनल कैसे हो सकती है यार, तो मैंने देखा यार कि लोगों ने डाल रखा था कि स्प्लिटर यूज़ करो फलाना फलाना। मैंने यार ये तो बहुत ईजी यार कर लेंगे हम भी। तो बात करते हैं कि मैंने कैसे स्टार्ट किया। मैं भी गया मार्केट और मैं भी सामान लिया है, करीबन करीबन 700-800 का सामान लिया है। सो गाइस अब बात करते हैं कि इसकी कॉस्ट की, ठीक है। जो मेरे को कॉस्ट पड़ी थी जब मैं स्टार्ट किया था ये यूट्यूब में करियर अपना लाइव स्ट्रीमिंग में, तो मैंने भी सोचा था कि 300 रुपए के जुगाड़ से स्टार्ट करूं। तो जो इसमें मेरे को कॉस्ट पड़ी थी 300 रुपए के जुगाड़ की, तो मैं आपको बताता हूं मेरे को 300 नहीं पड़ती, इनफैक्ट मेरा 600-700 क्रॉस हो चुका था, ठीक है। तो आपको बात करता हूं, तो सबसे पहले मैंने लिया था एक स्प्लिटर, ये 100 रुपए का पड़ा था। एंड ये एक और स्प्लिटर लिया था मैंने, ये भी कुछ ऐसे 100 रुपए का पड़ा था। एंड देन एक मैंने यूएसबी केबल ली थी गाइस इसके लिए, क्योंकि वीडियो में बताया गया था एक यूएसबी केबल लेनी है, तो ये भी करीबन 150-200 की रुपए की पड़ी थी। एंड उसके बाद करते हैं ये माइक की बात यार, ठीक है। मेरा हाथ में ये माइक है और ये माइक भी करीबन 300 रुपए तक का पड़ा था मुझे मार्केट में से। एंड उसकी बात करते हैं ये ऑक्स केबल की बात यार गाइस, तो ये ऑक्स केबल मुझे करीबन मैंने 120 रुपए की ली थी। एंड लास्ट में मैंने उसके बाद ये बात करते हैं साउंड कार्ड की, ये करीबन 100 रुपए का साउंड कार्ड था गाइस। और तो ये भी उसने बोला था वीडियो में कि ये भी यूज़ करो। तो गाइस ये सब तो हो गया यहाँ पे सामान, मैंने बता दिया आपको कि जुगाड़ में ये सब लगता है और मैंने जुगाड़ ट्राई करा है मैंने भी। और मैं बताता हूँ आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस की असलियत क्या है इस जुगाड़ की, ठीक है। सो गाइस अब बात करते हैं कि स्ट्रीमिंग की क्वालिटी की, तो हम बात करते हैं जो हमको यूट्यूब में दिखाते हैं वो वीडियोस, वो क्वालिटीज़ यार गाइस वहीं तक रहती है, वो वीडियो में शो होती है। आप लोग अगर रियल लाइफ में इसका जुगाड़ यूज़ करोगे ना गाइस, मैं आपको बताऊंगा मेरे साथ कई यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो इस जुगाड़ को यूज़ करते हैं। सो गाइस हम बात करते हैं स्ट्रीमिंग क्वालिटी की, तो स्ट्रीमिंग क्वालिटी हमको एक एवरेज देखने के लिए मिलती है यहाँ पे, इतनी अच्छी नहीं मिलती आप लोगों को, ठीक है, जो आपको एलगाटो में मिलेगी। और यहाँ पे 300 रुपये जुगाड़ में आपको मतलब काफ़ी फ्रेम ड्रॉप्स होंगे, क्योंकि गाइस जब आप लोग 300 रुपये का जुगाड़ यूज़ करोगे तो आपको पहले अपने पीसी और मोबाइल फोन में एक ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ऐप और मिरर करके, जो आपकी स्क्रीन को मिरर करेगी कंप्यूटर के साथ। इसमें क्या होता है गाइस, जब आप लोग अपने मोबाइल को पीसी से कनेक्ट करते हो तो उसमें आपको ऐप और मिररिंग की जो ऐप होती है मोबाइल से दोनों से कनेक्ट करते हैं आप उन दोनों को, एंड आपकी स्क्रीन शेयर हो जाती है वहाँ से यूएसबी केबल के थ्रू। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये स्ट्रीमिंग क्वालिटी लो क्यों आती है आप लोगों की और ये फ्रेम ड्रॉप्स क्यों होते हैं इतने ज्यादा, क्योंकि गाइस आपको जो अपनी स्क्रीन शेयर करनी होगी वो उसी ऐप के थ्रू अपने पीसी तक शेयर करोगे आप। सो गाइस जब आप लोग इसकी स्क्रीन को शेयर करते हो ओबीएस के साथ तो वहां पे लैगिंग प्रॉब्लम आती है, फ्रेम ड्रॉप्स होते हैं आप लोगों के, एंड काफी जो आपकी स्ट्रीम होती है बफर करती है आपकी स्ट्रीम और जो क्वालिटी होती है बिल्कुल घट जाती है आपकी स्ट्रीम की। सो गाइस इसके बाद हम बात करते हैं साउंड की, तो अब जो मेन चीज है हमारी गेम में वो क्या है साउंड। अगर गाइस साउंड ही नहीं आएगा तो आपका जो व्यूअर होगा उसको कभी फील ही नहीं आएगा, आपका गेम देखने में ना मजा आएगा। तो उसमें क्या होता है, आपकी यहाँ पे दो साउंड होती है, एक होती है आपकी जो इन गेम साउंड होती है और एक आपकी जो होती है टीममेट से बात होती है उसकी साउंड अलग होती है। तो इसमें क्या होता है, जब भी हम साउंड यूज करते हैं यहाँ पे हम इतने सारे स्प्लिटर्स यूज कर देते हैं यार यहाँ पे, और ऑक्स केबल से करते हैं, पता नहीं क्या क्या हेडफोन जैक लगा देते हैं, ये मैंने खुद करा है मैं बता रहा हूँ आपको। और जब हम ये सब स्प्लिटर लगा देते हैं गाइस इसमें, तो उसके बाद जो हमारी साउंड की ना प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो बंदा इसको यूज़ कर रहा होगा उसको पता होगा कि यार आपके एयरफोन्स में भी चू 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 की आवाज़ आती रहती है, जी 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 की आवाज़ आती रहती है जो आपके कानों में मतलब ऐसे बसती रहती है। और मतलब और गेम में तो पूछो मत, गेम साउंड तो पूछो मत आएगी नहीं आएगी पता नहीं आपको, ठीक है। वैसे गेम साउंड तो आ जाती है, मेन चीज़ रहती है आपकी इंटरनल साउंड जो आप टीममेट से बात करते हो गाइस। सो गाइस जब हमारी साउंड की प्रॉब्लम हो रही है एक्चुअली वो क्यों हो रही है, क्योंकि हम इतने सारे स्प्लिटर्स यूज़ कर रहे हैं यार अपने मोबाइल पर, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं अपनी ऑक्स केबल, साउंड कार्ड एंड पता नहीं क्या क्या यूज़ कर रहे हैं गाइस। तो उसके बाद क्या होता है, जो सीपीयू की साउंड होती है आप लोगों को पता होगा जो पीसी स्ट्रीम करता है या सीपीयू की साउंड भी आती है काफ़ी बैकग्राउंड से, और वो भी कानों में आती रहती है जी जी, और गेम में तो मैं क्या ही बताऊँ आपको, लाइव स्ट्रीमिंग तक में आपको सुनाई देती है जी 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 की
मेरी आवाज़, तो मतलब ये काफ़ी बद्दी लिखते हैं, कोई आपकी ज़्यादा देर तक स्ट्रीम देख नहीं सकता गाइज, और चाहे वो कितना भी बड़ा आपका फ़ैन हो उसको मतलब इरिटेट हो जाएगा एक बारी के लिए, क्योंकि यार नॉइज़ इतना ज़्यादा हो जाता है उस स्ट्रीम में, आप नॉइज़ नहीं दबा पाओगे अगर आप ये सब यूज़ कर रहे हो। सो गाइज हम बात करते हैं कि अब यार जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है 300 रुपये के जुगाड़ से, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपका जो डिवाइस है वो ख़राब होता है सबसे पहले इस 300 रुपये के जुगाड़ से, जो आपका अच्छा खासा डिवाइस है। अब वो कैसे ख़राब हो रहा है मैं आपको बताता हूँ, आपको उस टाइम नहीं पता चलेगा, आप इजीली स्ट्रीम कर रहे हैं, स्मूथ स्ट्रीम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं हो रही, बट मैं आपको बता दूँ ये आपका डिवाइस कैसे ख़राब हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ आपके मोबाइल में सबसे पहले चल रहा है इंटरनेट, ठीक है। सेकंड थिंग आपके उसमें चल रही है गेम, ठीक है, और गेम भी आप पबजी भी रन कर रहे हो कहाँ से, अपने मोबाइल से। सो गाइस अब तीसरी चीज़ बताता हूँ आपको, चीज़ ये कि आपका जो मोबाइल है ना यूएसबी केबल वो किससे, पीसी से कनेक्ट हो रहा है और वो चार्ज भी हो रहा है वहीं से। तो सोचो एक इतने से मोबाइल पे आपने कनेक्ट कर दी तो आपका मोबाइल पहली बार तो हीट होगा, ठीक है, और उसकी जो बैटरी लाइफ होगी ना जो वो 1.5-2 साल खींचेगी नहीं बैटरी, वो साला 6 महीने भी नहीं चलेगी आपकी, मैं सच बता रहा हूँ आपको। आप लोग अगर ये यूज़ करते हो ना आपकी बैटरी लाइफ जरूर जाएगी, आपका मोबाइल जो होगा वो जरूर ख़राब होगा गाइस, इस बात का पक्का गारंटी मैं आपको देता हूँ। और ये मैंने खुद यार यूज़ किया है और मैंने भी स्ट्रीमिंग करी है इससे, ऐसी बात नहीं मैंने नहीं करी, मैंने ट्राई किया था, मैंने 2-3 बार ट्राई किया, मेरे को समझ आ गया कि भाई ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं होने वाली है। क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है ना गाइस उसी चीज़ से यूज़ करो यार, प्लीज़ जुगाड़ मत यूज़ करो, उससे आपका ही लॉस होने वाला है, ठीक है। सो गाइस अब आप लोग बोल रहे होंगे इस एल्गाटो के अंदर क्या है ऐसा कि जो ये हार्म नहीं करता डिवाइस को, ठीक है, आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले देखो यार एल्गाटो से स्ट्रीम करना महंगा क्यों पड़ता है आप लोगों को मैं ये बता दूं, क्योंकि यार देखो एल्गाटो ना आपको हर मोबाइल में सपोर्ट नहीं होता ये मोबाइल, ठीक है, ये 4-5 मोबाइल है जिनमें सपोर्ट होता है आप लोगों को मैं पहले ही बता दूं, ठीक है। एक ये वन प्लस में सपोर्ट होता है सबसे पहले, ठीक है, सेकंड ये ROG में सपोर्ट होगा, ये आईफोन में सपोर्ट होगा आपका, और ये सैमसंग S9 सीरीज से ऊपर वालों में। तो लगा लो जो ये मोबाइलों में सपोर्ट होता है वो मोबाइल ही करीबन 40,000 रुपये के आते हैं, ठीक है, उन्हीं में ये सपोर्ट होता है, इसलिए एल्गाटो आपको बेस्ट स्ट्रीमिंग क्वालिटी देता है, ठीक है। अब हम सेकंड थिंग बात करते हैं कि गाइस एल्गाटो में हमें क्या स्ट्रीमिंग क्वालिटी मिलती है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एल्गाटो में क्यों बेस्ट है एल्गाटो, ठीक है, इसमें जो स्ट्रीमिंग क्वालिटी मिलती है आपको 1080p 60fps तक मिल जाती है, और ये मतलब आपके फ्रेम ड्रॉप्स नहीं होने देता, लैगिंग नहीं होती आपकी, जैसे कि आपने 300 रुपये जुगाड़ में देखा होगा आप गोली चला रहे हैं आपकी आवाज़ थोड़ी देर बाद स्ट्रीम में जा रही है, मतलब लैग हो रहा है आपका गेम, कंटिन्यू आपके फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो इसमें ये नहीं होता गाइस, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें साउंड प्रॉब्लम, तो गाइस इसमें साउंड प्रॉब्लम होती नहीं क्योंकि हम इतने स्प्लिटर यूज़ ही नहीं कर रहे हैं इसमें, ठीक है, इसमें हमारा सिंपली HDMI से कनेक्ट होता है और ये थ्रू हमारे मोबाइल में कनेक्ट होता है सिंपली। एल्गाटो की एक अपनी एप्लीकेशन होती है गाइस जो हमारा जो डेटा होता है वो लेके जाता है स्ट्रीमिंग तक, ठीक है, तो हम उसकी जो ऐप के थ्रू ही अपना डेटा OBS सॉफ्टवेयर में डालते हैं। सो गाइस अब बात करते हैं इसकी प्रॉब्लम की, तो आप लोग बोलोगे यार इसके अंदर भी तो कुछ प्रॉब्लम होगी, तो गाइस इतनी प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों की इसके अंदर एक ही प्रॉब्लम होती है जब मैक्सिमम जब आप ज़ायरो प्लेयर हो अगर आप तो तभी जाके इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यार जब आप ज़ायरो में काफ़ी आपका मूवमेंट्स ज़्यादा होते हैं यार, अगर आप काफ़ी 200+ ज़ायरो में खेल रहे हो गाइस तो उसमें काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि यार आप ये डिवाइस ऐसी रहती है आप लोग इसको बार बार यूं करते हो मोबाइल से, जो हमारा HDMI केबल होता है वो डिस्कनेक्ट हल्का सा हिल जाता है, तो इस चक्कर में इसमें कभी कभार इशू आ जाते हैं, बट वैसे ऐसे रेगुलर बेस में नहीं आता। अगर आप नॉर्मल स्ट्रीमिंग कर रहे हो ज़ायरो भी अगर आप अच्छे से मतलब प्यार से यूज़ कर रहे हो, ऐसे नहीं स्काउट की तरह यूज़ कर रहे हो, आपको भी पता है फिर एल्गाटो की है ना, तो वही चलता है। तो ये सब तो था आपको एल्गाटो के बारे में। सो गाइज अब बाइंड अप करता हूँ मैं आप लोगों को, बताता हूँ कि यार आपको क्या करना चाहिए इन फ्यूचर के लिए। तो गाइज मैं आपको पहली बात बता दूँ, अगर आप स्ट्रीमिंग कर रहे हो तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ पहले आप अपना चैनल मोनेटाइज कराओ, ठीक है। सेकंड थिंग आप लोग क्या करो, अगर आप लोगों को ये ऐसी PC स्ट्रीमिंग करनी है गाइज तो आप लोगों को यार देखो 300 रुपये का जुगाड़ मत लेना है मेरी राय, मान लो 300 रुपये का जुगाड़ मत लेना, पैसा बर्बाद मत करो, वो 300 रुपये का जुगाड़ नहीं है, वो आपका 800-900 से ऊपर का जुगाड़ बन जाता है, पता है आपको 1,000 रुपये आपने वहाँ पे बर्बाद कर देते हो अपने, ठीक है। इसलिए आप लोगों को मैं सजेस्ट ये करूँगा गाइज, PC स्ट्रीमिंग जब करने की सोचो तो आपके पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए तभी करना। अगर आप लोगों के पेरेंट्स इतने नहीं हैं यार मतलब सपोर्टिव, तो यार प्लीज़ उनको फोर्स मत करो, पहले आप YouTube से अच्छा खासा पैसा कमाओ, ठीक है। आप नॉर्मल स्ट्रीमिंग करके भी पैसा कमा सकते हो गाइज, मैं आपको बता दूं, ठीक है, मैंने भी स्ट्रीमिंग करी है और मैं भी मतलब ये कि जब मेरा चैनल मोनेटाइज होता उसी के बाद ही मैंने ये PC सेटअप का सोचा था, ठीक है। और ये आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे घर वालों ने बहुत हेल्प करी होगी मेरी गाइज, तो ऐसा नहीं है मेरे घर वालों ने हेल्प करी मुझे, मेरे फ्रेंड्स लोग थे जिन्होंने मेरी हेल्प करी है और उन्हीं से मैंने उधार वगैरह लेके अपना पूरा PC का सेटअप लगाया था, क्योंकि अगर इस मेरे को अपने ऊपर भरोसा है, ठीक है, कि मैं ये उधार चुका दूं। अगर आप लोगों को अपने ऊपर भरोसा है कि आप लोग भी अगर मेरे तरह कुछ मतलब पैसे अरेंज करके चुका सकते हो, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट ये करूंगा आप लोग PC स्ट्रीमिंग करो और इसी बेस में करना, एल्गाटो बेस में करना, विदाउट एल्गाटो बेस में मत करना गाइस, मतलब आप बहुत परेशान हो जाओगे, आप पुरानी जो स्ट्रीमिंग है ना आपकी वो भी आप छोड़ने की सोच जाओगे, ये 300 रुपये का जुगाड़ ऐसा है, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि यार मैं इतना पैसा लगाया, क्योंकि वैसे ही तुम्हारे जेब में पैसा तो है नहीं, है ना, तो इसलिए आप लोग फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। सो गाइस एट एंड मैं ये बोलूँगा, जब भी आपको PC स्ट्रीमिंग में सोचो तो एक सबसे अच्छा PC बनाओ और मोबाइल लेना पड़ेगा आपको एक OnePlus टाइप का, ठीक है। सेकंड थिंग आपको एल्गाटो लेना पड़ेगा, ये मैं आपको पर्सनली अपना रिव्यू दे रहा हूँ आपको इस टॉपिक के ऊपर। इसके बाद भी आपको लगता है कि मतलब यार मेरे को कुछ और पूछना है स्ट्रीमिंग से रिगार्डिंग कि बेस्ट स्ट्रीमिंग कैसे करूँ मैं और किस ऐप से करूँ, तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, मेरा इंस्टाग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में। सो गाइस तो ये सब था आप लोगों को मैंने बताया कि इसकी असलियत क्या है,
300 रुपये जुगाड़ किया और पीसी स्ट्रीमिंग की। तो आप तब तक के लिए चलते हैं यार, अलविदा दो मुझे, टाटा बाय बाय।